हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन द हिंद क्लासेस फॉर अकाउंट्स। आज हम लोग इस वीडियो लेक्चर में देखेंगे कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी स्टैंडर्ड टीवाई बीकॉम का। तो लेक्चर स्टार्ट करने से पहले सभी से रिक्वेस्ट है, जितने लोग चैनल पर न्यू है चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे ताकि डेली वीडियो के अपडेट्स आपको मिल सके। चलो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर हम लोग देखेंगे फॉर्मेट इनकम एंड एक्सपेंडिचर के लिए और बैलेंस शीट के लिए। जिससे हमें क्वेश्चन में क्या रहेगा, डेबिट और क्रेडिट बैलेंस दिया रहेगा और उसी के बेस में हम लोग क्या करेंगे, उसको पोस्ट करेंगे। जैसा कि हम आपने ट्वेल्थ में सॉल्व किया रहा होगा, आपको अगर याद होगा तो पहले हम लोग क्वेश्चन को रीड करते थे, एडजस्टमेंट को रीड करके और उसको पोस्ट कर देते थे ट्रेडिंग में, प्रॉफिट एंड लॉस, फिर उसके बाद बैलेंस शीट में, ठीक है। और यहाँ पे क्या करना है, हमें दो फॉर्मेट के टाइप में हमें अकाउंट प्रिपेयर करना है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर और दूसरा बैलेंस शीट एन फॉर्म में। अभी एन फॉर्म क्या होता है हम लोग आगे देखेंगे। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, पहले सबसे पहले आपको फॉर्मेट समझना है जो इनकम एंड एक्सपेंडिचर का दिया हुआ। तो अभी एक्सपेंडिचर में जितने भी आइटम्स आते रहेंगे पूरा का पूरा मैंने यहाँ पर लिख दिया है और इनकम्स के भी सेम वही, तो मैं सबको एक एक करके रीड करके आपको बता दे रहा हूँ ताकि एक बार हमारे माइंड में आ जाएगा कि एक्सपेंडिचर में कौन कौन से आइटम्स आते हैं। प्रॉपर्टी टैक्स, जो भी हमारी प्रॉपर्टी रहेगी उसके ऊपर का टैक्स एक्सपेंडिचर में आ जाएगा। वाटर चार्जेस, जो भी हमारा कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी वहां पे जितने भी वाटर से रिलेटेड एक्सपेंस रहेगा, जो भी जितना वाटर का चार्जेस रहेगा वो एक्सपेंडिचर में। सिक्योरिटी एक्सपेंसेस, रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस, क्लीनिंग चार्जेस, इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस, ऑफिस एक्सपेंसेस, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, मीटिंग एक्सपेंसेस, अकाउंट राइटिंग चार्जेस, ऑडिट फीस, इंश्योरेंस है ना, सब्सक्रिप्शन टू एजुकेशन फंड। अगर हमने कोई एजुकेशन फंड के लिए सब्सक्रिप्शन किया हुआ तो अभी क्या है हमारे लिए एक्सपेंस है। एफिलिएशन फीस, पोस्टेज, सर्विस टैक्स, इनकम टैक्स प्रोविजन, डेप्रिसिएशन, सिंकिंग फंड, रिजर्व फंड एंड सरप्लस। सरप्लस कैसे आता है, तो जब क्रेडिट बैलेंस हम टोटल करेंगे यहाँ पर, ठीक है, जब क्रेडिट बैलेंस टोटल करेंगे, क्रेडिट बैलेंस यहाँ पर सेम डेबिट साइड लिखेंगे और जितने भी डेबिट बैलेंस रहेंगे उसको माइनस करेंगे तो हमें सरप्लस मिलेगा। और उसके ऊपर अगर आप देखो तो क्या दिया है, रिजर्व फंड। ये सबसे इम्पोर्टेंट है, रिजर्व फंड क्या होता है ये मैं आपको अभी एक्सप्लेन कर दे रहा ताकि जब हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आपको ध्यान में रखना। रिजर्व फंड सरप्लस के ऊपर आएगा। जैसे सपोज करो कि अगर हमारा सरप्लस सपोज करो कि अगर 10,000 आया तो रिजर्व क्या होगा, हमेशा 25% सरप्लस का ट्रांसफर होगा रिजर्व फंड। कितना, 25%। तो रिजर्व फंड कितना आ जाएगा, 25% किसका, सरप्लस का। तो 25% फाइंड कर लोगे आप तो कितना आ जाएगा, मल्टीप्लाई कर दो 2,500, क्या आ जाएगा, ये रिजर्व फंड में ट्रांसफर हो जाएगा। अगर आपको दिया है बुक में तो ठीक है, अगर नहीं दिया है एडजस्टमेंट में तो कोई प्रॉब्लम नहीं, फिर हम लोग क्या करेंगे, उसको जो हमारा सरप्लस मिला रहेगा उसका 25% ट्रांसफर कर देंगे। तो एक जो इफेक्ट आ जाएगा एक इसमें आ जाएगा और एक दूसरा रिजर्व फंड में एड हो जाएगा। रिजर्व फंड में एड कहाँ पर होगा, तो यहाँ पे देखोगे आप तो रिजर्व एंड अदर्स फंड दिया ना, उसमें ले जाके हम लोग उसको एड कर देंगे। ये आपको इम्पोर्टेंट ध्यान में रखना है, ये 25% ट्रांसफर होता है सरप्लस का, ठीक है। अब उसके बाद हम लोग देखेंगे इनकम में कौन कौन से आइटम्स आते हैं। बाय कंट्रीब्यूशन रिसीव फ्रॉम मेंबर्स, प्रॉपर्टी टैक्स, ये क्या आ जाता है, मेंबर्स कंट्रीब्यूट करते हैं अलग अलग जितने भी एक्सपेंसेस है उसके लिए, लिफ्ट मेंटेनेंस के लिए, इलेक्ट्रिसिटी, सिक्योरिटी, गार्डन, जिम, पार्किंग, स्विमिंग पूल मेंटेनेंस, या फिर मिसलेनियस अगर कोई और भी कंट्रीब्यूशन है तो उसको भी क्या आ जाएगा, हमारा क्रेडिट साइड में आएगा। बाय इंटरेस्ट रिसीव, बाय रेंट रिसीव, बाय ट्रांसफर फीस रिसीव, बाय मिसलेनियस इनकम, कोई मिसलेनियस इनकम है कोई और है जो हमारी सोसाइटी से रिलेटेड नहीं है फिर भी हमारे, क्योंकि हम इन्वेस्टमेंट या कुछ ना कुछ रहेगा जो हमारे तरह से हमारा इनकम रहेगा। बाय डेफिसिट, डेफिसिट कभी आएगा जब एक्सपेंडिचर क्या आ जाएगा ज्यादा रहेगा, तो डेबिट साइड जब ज्यादा रहेगा हम लोग क्या करेंगे, इसको क्रेडिट साइड भी लिखेंगे और यहाँ पे जो बैलेंसिंग फिगर आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, हमारा डेफिसिट हो जाएगा। आया समझ में, अगर नॉर्मली अगर आप देखोगे
तो डेफिशिएंट यहाँ पे कैसा है आपको क्रेडिट साइड के बैलेंस में शो करेगा, ठीक है। अब हम लोग आ जाएंगे बैलेंस शीट के एन फॉर्म। अभी एन फॉर्म क्या होता है, एन फॉर्म क्या होता है, जैसे जो स्टेप दिया है उसी स्टेप में उसी ऑर्डर में ही आपको बैलेंस शीट को प्रिपेयर करना रहेगा। इसमें क्या कर सकते हो आप, अगर जैसे सपोज करो कि अगर आपने इलेक्ट्रिसिटी चार्ज से यहाँ लिख दिया, रिप्लेसमेंट में से यहाँ लिख दिया, मतलब इसमें अगर आप आगे पीछे करोगे तो चल जाएगा इनकम मैनेजमेंट टीचर में। लेकिन बैलेंस शीट में क्या है, जो स्टेप दिया है, जो ऑर्डर में दिया है अकाउंट्स, उसी ऑर्डर में ही आपको लिखना पड़ेगा। जैसे फर्स्ट क्या दिया है, शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड अदर फंड। तो शेयर कैपिटल क्या दिया, शेयर कैपिटल से रिलेटेड जितने भी अकाउंट्स रहेंगे, जैसे ऑथराइज शेयर कैपिटल, पेडअप, पॉलिसी नरियर, जो भी रहेगा सब शेयर कैपिटल में ही आएगा। सेकेंड क्या दिया, रिजर्व एंड अदर फंड। तो रिजर्व एंड अदर फंड्स में जैसे कोई भी फंड्स रहेगा, जैसे बिल्डिंग फंड, रिजर्व फंड, वो सब फंड किसमें आ जाएगा, रिजर्व एंड अदर फंड्स में आ जाएगा। स्टाफ पीएफ प्रोविडेंट फंड, तो स्टाफ से रिलेटेड जो भी फंड रहेगा वो कहां पर आ जाएगा, थर्ड वाले इसमें आ जाएगा। फोर्थ सिक्योर्ड लोन, जो भी हमने लोन लिया रहेगा जो सिक्योर्ड रहेगा वो सभी कहां पर आ जाएगा, फोर्थ सिक्योर्ड लोन के अंडर में आएगा। जैसे हम लोग पहले ये हेडिंग लिखेंगे सिक्योर्ड लोन, है कि नहीं, क्योंकि उसी के नीचे लोन, जैसे लोन फ्रॉम बैंक, लोन फ्रॉम कहीं और से लिए रहेंगे, तो जो भी सिक्योर्ड लोन रहेंगे वो सब इसमें आ जाएंगे। अनसिक्योर्ड लोन मतलब जो अनसिक्योर्ड रहेंगे, जैसे कैश, क्रेडिट कार्ड, बैंक ओवरड्राफ्ट, इस तरह के जितने भी लोन्स रहेंगे वो अनसिक्योर्ड है, तो वो अनसिक्योर्ड हेडिंग के नीचे आएंगे। डिपॉजिट, जो भी डिपॉजिट्स रहेंगे वो सभी क्या रहेंगे, डिपॉजिट के हेड्स के अंदर आ जाएंगे। सेवेंथ में क्या दिया, करंट लायबिलिटी एंड प्रोविजन, जैसे जो भी हमारी करंट लायबिलिटीज रहेंगे वो सब यहाँ पर आ जाएंगे, या फिर कोई प्रोविजन किए हुए हमने तो वो सब भी किसमें आ जाएंगे, सेवेंथ करंट लायबिलिटी एंड प्रोविजन। जैसे एक तरह से हम लोग बोल सकते हो आप, जो भी हमारी करंट लायबिलिटीज रहेंगे वो सभी को यहाँ पे हम लोग को लिखना रहेगा इसी के अंडर। जब हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आपको एकदम अच्छे से आ जाएगा। ये सिर्फ कैसे हम लोग एक फॉर्मेट देख रहे हैं, लेकिन ये आपको कंपल्सरी लर्न करके रखना रहेगा। एट क्या दिया, इंटरेस्ट ड्यू बट नॉट रिसीव, इंटरेस्ट ड्यू बट नॉट रिसीव। इंटरेस्ट अगर जैसे हमारा ड्यू हो गया है लेकिन अभी तक वो रिसीव नहीं हुआ है, तो उससे रिलेटेड जितने भी यहाँ पे अकाउंट्स रहेंगे आइटम्स उसके, वो सभी इसके एट हेड के नीचे आ जाएंगे, इंटरेस्ट ड्यू बट नॉट रिसीव। नाइन्थ क्या दिया है, अदर लाइबिलिटीज, जैसे सपोज करो कि कोई और लाइबिलिटी है, जैसे यहाँ पे करंट लाइबिलिटी एंड प्रोविजन में अगर वो नहीं मिल रहा है तो उसको हम लोग कहाँ पे लिख लेंगे, अदर लाइबिलिटी में। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्या होगा, अगर हमारे पास प्रीवियस ईयर का कोई प्रॉफिट है तो उसको हम लोग यहाँ पे लिखेंगे प्रीवियस ईयर प्रॉफिट प्लस एड करंट ईयर, और फिर उसका अमाउंट प्रॉफिट कॉलम में लिख लेंगे। अभी आप सोच रहे हो शेयर कैपिटल के अंदर क्या क्या आएगा, रिजर्व फंड वो सब के अंदर, उसके साथ उसके अंदर बहुत सारे अलग अलग आइटम्स आएंगे, तो उसका मैं पूरा डिटेल आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा, आप वहां से जाकर उसको लर्न कर लोगे, क्योंकि पूरा लिखना पॉसिबल नहीं है, पूरा दो पेज का है, है कि ये सिर्फ मैंने बताया कि कौन से स्टेप में आपको ऑर्डर में ये आपको लाइबिलिटी में जितने भी अकाउंट्स रहेंगे उनको इसी ऑर्डर में ही लिखना रहेगा। अभी जैसे शेयर कैपिटल के अंदर कौन कौन से नेम के अकाउंट आ जाएंगे, रिजर्व फंड के अंदर कौन कौन से फंड्स आ जाएंगे, वो पूरा डिटेल आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। स्टाफ फंड, सिक्योर्ड लोन, अनसिक्योर्ड लोन, इन सभी का पूरा डिटेल अकाउंट आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ये आपका हेडिंग है, ये आपको हेडिंग ऐसे का ऐसे सेम टू सेम लिखना रहेगा, और फिर जो भी अकाउंट्स रहेंगे उसके नीचे लिखना रहेगा। अभी असेट्स का लिख लेंगे, असेट्स में भी सेम वैसे ही है, टोटल कितने हैं, 10 हेड्स है, उसी के अंदर लिखना रहेगा। जैसे कैश एंड बैंक बैलेंस, जैसे सपोज करो कि अगर आपको क्वेश्चन में दे दिया ट्रायल बैलेंस में कैश रुपीज 5000, बैंक बैलेंस इन SBI 25000, तो दोनों अकाउंट का किसके हेड्स के नीचे आ जाएंगे, कैश एंड बैंक बैलेंस के नीचे आएंगे कैश में। फिर उसके बाद क्या आ जाएगा, इन्वेस्टमेंट ऑफ स्टाफ प्रोविडेंट फंड, जो भी इन्वेस्टमेंट रहेगा पूरा इन्वेस्टमेंट हेड्स के अंदर आ जाएगा। इन्वेस्टमेंट ऑफ स्टाफ प्रोविडेंट फंड, अगर हमने स्टाफ से रिलेटेड कोई प्रोविडेंट इन्वेस्टमेंट किया है प्रोविडेंट फंड का, तो यहाँ पर आ जाएगा। फोर्थ
फोर्थ लोन्स एंड एडवांसेस, अगर हमें कोई लोन्स और एडवांस दिया है तो यहाँ पर आ जाएगा। सन्ड्री डेटर्स, कोई अमाउंट अगर हमारा रिसीवेबल है, पैसा आने वाला है, उसको हम लोग सन्ड्री डेटर्स में लिखेंगे। फिर उसके बाद करंट असेट्स, कोई करंट असेट्स से रिलेटेड हमारा आइटम्स है तो उसको हम लोग करंट असेट्स के नीचे लिखेंगे। अभी आप सोच रहे हैं कि सन्ड्री डेटर के अंदर तो समझ में आ गया, करंट असेट्स में कौन कौन से आइटम्स आएंगे, तो पूरा का पूरा डिटेल मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा, आप वहां से लर्न कर लोगे। जैसे फिक्स असेट्स, अभी फिक्स असेट्स में क्या क्या आएगा वो भी आपको पूरा का पूरा मैं यहाँ पे दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में। आपको सिर्फ क्या करना है, ये जो ऑर्डर है वो आपको लर्न करना है कि जैसे कैश एंड बैंक बैलेंस के बाद क्या आएगा इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट के बाद क्या आएगा इन्वेस्टमेंट ऑफ प्रोविडेंट फंड, उसके बाद क्या आएगा लोन्स एंड एडवांस, उसके बाद सन्ड्री डेटर, करंट असेट्स, फिक्स असेट्स, फिर उसके बाद मिसलेनियस एक्सपेंस एंड लॉसेस, कोई अगर हमारा एक्सपेंस है मिसलेनियस या फिर कोई और लॉस है उसको हम लोग यहाँ पे लिखेंगे एट में। नाइन्थ में क्या आ जाएगा अदर आइटम, जैसे हमें इसमें कोई भी वो जिसे इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड नहीं है, लोन्स एडवांस सन्ड्री डेटर करंट असेट फिक्स असेट मिसलेनियस एक्सपेंस से रिलेटेड इसमें कोई भी नहीं मिल रहा है, हम लोग उसको कहाँ पे लिख लेंगे अदर आइटम्स। और उसके बाद लास्ट में क्या आ जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, तो यहाँ पे भी सेम हमारा रूल है बैलेंस शीट टैली करने का, लाइबिलिटी का पूरा अमाउंट टोटल करेंगे यहाँ पर, असेट्स का टोटल अमाउंट यहाँ पर टोटल करेंगे, हमें दोनों अमाउंट इक्वल मिल जाएगा। अभी जैसे नॉर्मली यहाँ पे तो हम लोग देख लिया सिर्फ फॉर्मेट, ठीक है। अब हम लोग थोड़ा सा देखेंगे एक रिवर्स जाके, थोड़ा सा पीछे जाके क्वेश्चन को सॉल्व करना कैसे स्टार्ट करेंगे, ये मैं आपको इसमें भी बता दे रहा हूँ और जब मैं क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा तो उसमें भी आपको फिर से बताऊंगा। पहले हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन को पूरा रीड करेंगे, ठीक है, पूरा क्वेश्चन रीड किए उसके बाद एडजस्टमेंट को रीड करके पहले मार्क कर लेंगे कि एडजस्टमेंट से रिलेटेड कौन कौन से अकाउंट्स आ रहे हैं। तो उसके लिए क्या करेंगे, हम लोग उस अकाउंट को लिखेंगे और अमाउंट को इधर कॉलम में लिख के हम लोग उसको एडजस्टमेंट के लिए स्पेस प्रोवाइड कर देंगे। उसके बाद जब क्वेश्चन हम लोग रीड करते जाएंगे तो हम लोग चेक करेंगे कि कौन से हेड्स में कौन कौन से अकाउंट्स मिल रहे हैं। जैसे सपोज करो कि यहाँ पे हमने ट्रायल बैलेंस दिया हुआ है, ठीक है, तो ट्रायल बैलेंस में दिया हुआ है तो हम लोग चेक करते हुए जाएंगे कि रिजर्व एंड सरप्लस के कितने आइटम्स मिल रहे हैं, है ना, सिक्योर्ड लोन अनसिक्योर्ड डिपॉजिट कर, तो उसी के हिसाब से हम लोग बैलेंस शीट में स्पेस प्रोवाइड कर सकते हैं। जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आपको अच्छे से और समझ में आएगा। तो यहाँ पे हमारा ये वीडियो लेक्चर यहीं पे कंप्लीट हुआ। इस वीडियो लेक्चर में आपको कहीं पर किसी भी स्टेप में कोई भी डाउट कमेंट करके जरूर बताना, या फिर अगर आप मेरी तरफ से कोई इम्प्रूवमेंट चाहते हैं या फिर मुझे कोई सजेशन देना चाहते हैं तो भी कमेंट करके जरूर बताना। जितने लोग चैनल पर न्यू हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे ताकि डेली वीडियो की अपडेट्स आपको मिल सके। और वीडियो अगर अच्छी लगी है तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना ना अपने वीडियो को लाइक करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।